अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री पिक वेक्टर फाइल्स हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बेशक वो फ्री हो, फ्री तो हम वैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप प्रीमियम फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप वेक्टर फाइल्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ना तो इसमें PSD यानी फोटोशॉप की फाइल होगी, ना इसके अंदर जो है वो वीडियो होंगी, ना इसके अंदर बाकी चीज़ें फ्री पिक पे जो मौजूद हैं वो होंगी। सिर्फ वेक्टर फाइल्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम, जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स ने प्रीमियम के अंदर उसको डाला होता है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये फ्री पिक काम कैसे करता है। फ्री पिक के ऊपर कुछ लोग होते हैं, अपना कंटेंट जो है वो सेल करते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, आप सेल कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप भी अपना जो है वो कंटेंट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आपने शुरू में फ्री में सेल करना है, अपनी जो है वो ऑडियंस बढ़ानी है, अपने डाउनलोड्स वगैरह बढ़ाने हैं, तो आप फ्री में भी कर सकते हैं। जब आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस आ जाए तो आप उसको बाद में पेड भी कर सकते हैं, यानी अर्निंग के लिए आप पेमेंट भी ले सकते हैं वहाँ से। ये कंट्रीब्यूटर्स के ऊपर होता है। कुछ लोग जो हैं वो फ्री में अपना कंटेंट यहाँ पे लोगों के लिए देते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को यहाँ पे सेल करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इसके साथ मिलती जुलती वेबसाइट, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप फ्री पिक को एक अरसे से यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी उस वेबसाइट का पता होगा। अगर नहीं पता तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट उस वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा, जहां से आप जो वेक्टर फाइल्स हमारे पास फ्री पिक के ऊपर हैं वो ही हमारे पास उस वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद होंगी। तो वीडियो जो है वो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आ जाए। हो सकता है कि ये वीडियो आप 6 महीने बाद देख रहे हैं, 3 महीने बाद देख रहे हैं और वो कंट्रीब्यूटर अपना उस वेबसाइट पे अपना कंटेंट सेल ना कर रहा हो या अपना कंटेंट जो है अकाउंट वगैरह सब कुछ डिलीट कर चुका हो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल के लिए मैं आज आपको ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो साल बाद या 6 महीने बाद या कोई भी नई अपडेट वो कंट्रीब्यूटर करता है, क्योंकि ये सारा कुछ कंट्रीब्यूटर्स के ऊपर होता है। यानी अगर डिज़ाइनर अपना अकाउंट ही यहाँ से डिलीट कर दे तो उसका सारा कुछ जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करना कि आपने ये वाली फाइल अब यहाँ पे डाउनलोड हो रही है वीडियो में और बाद में जो है वो आपके पास ना हो रही हो कुछ अर्से बाद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो आपने स्टेप बाय स्टेप सारी देखनी है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की समझ आए। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आधी वीडियो देखते हैं और उसके बाद ऐसे नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि ये वीडियो फाइल डाउनलोड नहीं हो रही या ये मिस्टेक आ रही है, ये एरर आ रहा है। आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। ऐसे वीडियो अगर बीच में छोड़ेंगे तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को आपने लाजमी देखना है सारी ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। वेक्टर फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वेक्टर फाइल्स हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेक्टर फाइल्स आपको पता है इलस्ट्रेटर में भी ओपन हो सकती हैं। अगर EPS फॉर्मेट में दी हुई है तो हमारे पास ये कोरल ड्रा में भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब दो सॉफ्टवेयर हमारे पास, अगर आपको दोनों चलाने आते हैं तो आप दोनों यूज़ करें। इलस्ट्रेटर इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है और कोरल ड्रा जो है वो हम पाकिस्तानी लोकल यहाँ पे यूज़ करते हैं, और इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, कोरल ड्रा में भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मैं गाइड कर दूंगा इस वीडियो में। वेक्टर फाइल्स आपने यहाँ से एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है और वेक्टर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन सर्च कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पोस्टर्स जो है वो सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स की इमेजेस आ जाएंगी। अब पोस्टर्स जो है वो मैंने यहाँ पे कोई अभी फ्री या प्रीमियम के ऊपर कोई क्लिक नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो ये वाला पोस्टर अच्छा लग रहा है, ये वैसे ही फ्री है, आप ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल आप एडिट भी कर सकते हैं इसको। और ये वेक्टर फाइल है, इसके अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पता है कि ये EPS फाइल है और JPG है। JPG आपको पता है सिंपल एक इमेज होती है, और EPS फाइल हमारे पास इलस्ट्रेटर में भी ओपन हो सकती है और कोरल ड्रा में भी ओपन हो सकती है। ये हमारे पास सिंपल फाइल है, इसकी हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो प्रीमियम फाइल्स हैं वो हमें दूसरी वेबसाइट के थ्रू, जो मैं आपको बताऊँगा उस वेबसाइट के थ्रू हम वहाँ से कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स फ्री पिक के ऊपर तो प्रीमियम में लगा रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि फ्री पिक के ऊपर ज़्यादा हमारे पास जो है वो ऑडियंस होती है, और उस वेबसाइट का इतने लोगों को पता नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो वही इमेजेस सारी फ्री में
अपलोड करते हैं, वहां पे भी आप पेड कर सकते हैं, प्रीमियम लगा सकते हैं, वहां से भी पैसे अर्निंग कर सकते हैं। वो सब कुछ आपके ऊपर होता है कि अगर आपने अपना जो है वो आपके डाउनलोड्स कम हैं तो आप जो है वो शुरू में बेशक फ्री लगाएं, क्योंकि ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं जहां भी आप अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, शुरू में ऑडियंस बढ़ाएं, उसके बाद फिर आप उसको पेड कर सकते हैं ताकि आपको वहां से अर्निंग स्टार्ट हो। यूडेमी का अगर आपने नाम सुना हुआ होगा, वहां पे लोग कोर्सेज जो हैं वो शुरू में फ्री में अपलोड करते हैं, लोग वहां से कोर्सेज लेते हैं फ्री में, उनको क्या करते हैं अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, यूडेमी उनके कोर्सेज को ऊपर लेकर आता है। इसी तरह फिर लोग क्या करते हैं, साल बाद 2 साल बाद जब उनके पास अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं तो क्या करते हैं उसको पेड कर देते हैं। ये अपने ऊपर होता है कि आप अपनी मेहनत को कितना जो है वो अपनी मेहनत से कितना क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं। लाजमी नहीं होता कि सारे कंट्रीब्यूटर ऐसे करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी ऑडियंस को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि शुरू में फ्री रखते हैं बाद में उसको पेड करते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है वक्त के साथ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लाइसेंस लिखा हुआ है फ्री और प्रीमियम। एक बात मैं आपको इसकी बता दूं कि अगर आप इनका फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा। एट्रीब्यूशन क्या होगा कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर इनका डिज़ाइन जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको, या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको freepik.com या इनका जो है एट्रीब्यूशन वहाँ पे देना पड़ेगा आपने कि ये इमेज जो है वो यहाँ से हमने डाउनलोड की है, सिंपल। अगर आप इनका प्रीमियम ले लेते हैं और फिर आपको कोई एट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है फ्रीपिक का काम। अब यहाँ से अगर मैं प्रीमियम के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास जितनी भी फाइल्स शो होंगी वो सारी क्या होंगी, प्रीमियम में होंगी, ठीक है। अब प्रीमियम के अंदर ये मेरे पास पोस्टर्स के ला तादाद नीचे ऑप्शन आ गए हैं जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे जो है वो पहले इनका प्रीमियम पैकेज लेना पड़ेगा, फिर मैं इनको डाउनलोड कर सकता हूँ। अब इनकी क्या आगे क्राइटेरिया वो सारा उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा आपको, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है वो प्रीमियम लेंगे तो आपको ये प्रीमियम फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके साथ सेम वो वाली वेबसाइट है जिस पे यही कंट्रीब्यूटर्स वहाँ पे फ्री में भी अपलोड कर रहे होते हैं, उस वेबसाइट का नाम है हमारे पास, हो सकता है शायद आप में से काफ़ी लोग जानते हो, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, vectizy.com हमारे पास इससे मिलती जुलती वेबसाइट है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है। अब इसमें यहाँ पे देखें पॉपुलर रॉयल्टी फ्री इमेजेस, काफ़ी लोगों ने फ्री में इमेजेस दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास कैटेगरी क्या क्या है, इमेजेस हैं, फोटोज हैं, PNG हैं, वेक्टर्स हैं। अब क्योंकि वीडियो जो है उसका टॉपिक ही वेक्टर फाइल्स है तो सिर्फ यहाँ पे हमने वेक्टर्स के ऊपर क्लिक करना है और वेक्टर्स को ही सर्च करना है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पोस्टर्स सर्च करूँ तो हो सकता है यहाँ पे वो पोस्टर आपको, मैं सारे नहीं कह रहा कि हर कंट्रीब्यूटर जो है यूं करता है, ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूटर ऐसे करते हैं कि यहाँ फ्री पिक पे वो क्या करते हैं उसको प्रीमियम फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं और vectizy.com के ऊपर वही डिज़ाइन सेम फ्री में कर रहे होते हैं ताकि वहाँ से ऑडियंस कलेक्ट करें उसके बाद उसको भी प्रीमियम कर दें, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूटर्स करते हैं, सारे नहीं करते, कुछ करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वेक्टर्स के अंदर पोस्टर को सर्च करूँ तो यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स आ गए हैं। यहाँ पे लाइसेंस टाइप है इसके, ऑल फ्री लाइसेंस, प्रो लाइसेंस, एडिटोरियल यूज ओनली, ठीक है, 4 लाइसेंस है इसके। इनके बारे में आप डिटेल में जाकर खुद सर्च कर सकते हैं, डिटेल में मैं नहीं बता रहा, वीडियो जो है वो काफ़ी वैसे ही लेंथी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो पोस्टर पसंद है ऊपर लिखा हुआ भी है फ्री, ठीक है, आप फ्री में यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपको जो यहाँ पे पसंद आएगा उसमें से हो सकता है मिलते जुलते जो है वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाए। अब ये देखें फ्री में दिया हुआ है ब्लैक, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, सिंपल सी बात है कि एट्रीब्यूशन आपने देना है इसका, इस वेबसाइट का जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन या कहीं भी कमर्शियल प्रोजेक्ट यूज़ करने हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने इतने डिटेल में नहीं बताया हुआ कि ये जो है फाइल किस टाइप की है, वेक्टर फाइल है, बहरहाल हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं फ्री में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि फ्री पिक के ऊपर जो कंट्रीब्यूटर वेक्टर फाइल्स प्रीमियम में दे रहा है वो वेक्टिजी के ऊपर फ्री में, सब जो गाइड बताने लगा हूँ आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है, उसके जरिए आपको फ्री पिक की वेक्टर फाइल्स जो फ्री पिक पे लोगों ने प्रीमियम की हुई है ताकि पैसे कमा सकें, वो उन्होंने इस वेक्टिजी के ऊपर वो फ्री में भी अपलोड करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिसोर्सेज में चलते हैं, वेक्टर्स
और यहां से मैं इसको प्रीमियम को क्लिक करता हूँ, ठीक है। और हम वेक्टर फाइल सर्च करते हैं एनिमल्स के नाम से, ठीक है। एनिमल्स के नाम से मैंने सर्च की यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमल्स की सारी प्रीमियम फाइल्स आ चुकी हैं, जो कि इस अगर मैं किसी भी एक को क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास ये फाइल्स आ गई हैं। उसके बाद जो है वो मैं बैक करके, अगर यहाँ पे और भी अच्छी हमारे पास फाइल्स हैं, ये वाली अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली फाइल्स आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, इसने ये प्रीमियम फाइल्स की हुई है ताकि यहाँ से ये अर्निंग कर सके। अब मैंने आपको बताया कि मैकटीजी के ऊपर हर कंट्रीब्यूटर, लाजमी नहीं है कि वो अगर फ्रीपिक के ऊपर भी प्रीमियम दे रहा है तो वहाँ पे भी वो प्रीमियम फाइल देगा। हम क्या करते हैं, मैकटीजी के ऊपर सर्च करते हैं, अगर यही बंदा कंट्रीब्यूटर उसने वहाँ पे फ्री में दी हुई है तो हम वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से हम इसको रहने देंगे, ठीक है। कुछ मैंने ये आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि काफ़ी कम लोग जानते हैं vectizy.com के बारे में। फ्रीपिक को सारे जानते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, सारे अगर नहीं भी जानते तो वैसे ही ये पॉपुलर हमारे पास वेबसाइट है, यहाँ से इसलिए जो है यहाँ पे लोग प्रीमियम में कर देते हैं ताकि हमारे पास अर्निंग हो सके ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, आपने क्या करना है vectizy। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आप ये प्रीमियम फाइल है फ्रीपिक के ऊपर, ठीक है। अब आपने इसी कंट्रीब्यूटर की फाइल vectizy.com पे इस बंदे की प्रोफाइल ढूंढनी है, ठीक है। अगर ये प्रोफाइल आपको मिल जाती है तो आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि हर कंट्रीब्यूटर की होगी वहां पे, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल vectizy.com लिखना है, vectizy.com, ठीक है, स्लैश डालने हैं आपने। उसके बाद अब ये मेंबर्स होते हैं इनके, ठीक है, तो मेंबर्स, उसके बाद स्लैश डालनी है और इस बंदे का जो है ये नाम लिख देना है आपने, ठीक है। अब ये बंदा है जिसकी ये प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल के ऊपर इसने ये सारी इमेजेस जो है वो अपलोड की हुई हैं और प्रीमियम पैकेज रखा हुआ है ताकि लोग यहाँ से बाय करें और इस बंदे को अर्निंग हो, क्योंकि इसने इतनी मेहनत की हुई है तो इसका इसको बनता है कि ये थोड़ी बहुत इसकी अर्निंग करें, ठीक है। तो 8 के एसेट्स के ऊपर TIGATELU, सेम टू सेम आपने यहाँ पे क्या लिखना है, TIGATELU, ठीक है। जो कंट्रीब्यूटर का नाम होगा आपने वहां से कॉपी करके बेशक आप यहाँ पे पेस्ट कर एंटर करेंगे तो ये ले लें, हमारे पास इस बंदे की प्रोफाइल vectizy के अंदर भी आ चुकी है। यहाँ पे फ्री पिक के अंदर भी इसने प्रोफाइल बनाई हुई, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये देखें इसने यहाँ पे हमारे पास जो प्रोफाइल इसने फ्री पिक पे बनाई हुई है वही प्रोफाइल सेम टू सेम vectizy के ऊपर बना के वहां पे इसने यही एसेट्स फ्री में डाउनलोड अपलोड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1.25 मिलियन डाउनलोड्स हैं और 8.31 के एसेट्स हैं इसके पास, ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा एसेट्स पड़े हैं। तो ये कार्टून वगैरह उसके ऊपर काम करता है, खैर हमें इससे कोई नजर नहीं, हमें काम है अपने डिज़ाइन से। आपने यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे देखें वही चीज़ इसने यहाँ पे देखें फ्री में दी हुई, कार्टून्स के रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे कार्टून चाहिए आप इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फ्री डाउनलोड, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा, सिंपल सी बात है, उसको एट्रीब्यूशन आप एक चीज़ जो है वो उसकी मेहनत जो है वो फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं तो अप्रिशिएट तो करना बनता है, तो अप्रिशिएट सिंपल वो मांगते हैं यहाँ पे अप्रिशिएशन जो है, ताकि जहाँ से भी ये लोग जो है वो आपकी इमेज को या इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो वो लोग इसकी प्रोफाइल पे आएँ ताकि इसकी ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो लोग जो है वो अपनी मेहनत को ऐसे ही नहीं जाने देते, इसलिए ठीक है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यही फाइल सेम टू सेम हमारे पास। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें इससे मिलती जुलती है सारी, इसके बाकी आप एसेट देख सकते हैं, तो इसने सारे कार्टून की यहाँ पे प्रीमियम में रखी हुई है, ठीक है, और सेम अपनी प्रोफाइल इसने vectizy के ऊपर बना के वहाँ पे फ्री में रखी हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे वेक्टर फाइल मिल रही है आपने यहाँ पे vectizy के अंदर आके उसको मेंबर्स डिवाइडेड बाय यानी vectizy.com/members, क्योंकि मेंबर होते हैं इनके, और स्लैश करना है आपने उस कंट्रीब्यूटर का नाम। अगर प्रोफाइल हुई तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं हुई तो आप नहीं कर सकते। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ वेक्टर फाइल्स की, क्योंकि vectizy सिर्फ हमें वेक्टर फाइल्स, क्योंकि नाम से ही जाहिर है ना vectizy वेक्टर, ठीक है, तो वेक्टर से ये vectizy इन्होंने बनाया हुआ है, तो वेक्टर फाइल्स ही हमें यहाँ पे मिलेंगी, फोटोज और वीडियोज भी मिल जाती हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो वेक्टर फाइल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपने बाद में ये नहीं कहना कि हमारे पास PhD फाइल नहीं डाउनलोड हो रही, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये वेक्टर फाइल डाउनलोड करेगी। उसके बाद मैं आपको vectizy के ऊपर भी जो प्रो डाउनलोड यानी जिन लोगों ने इसको प्रीमियम फाइल के अंदर जो है वो कैटेगरी में रखा हुआ है तो वो दिखा देता हूँ।
यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा प्रो इसके ऊपर, ठीक है, यानी इन्होंने जो डिज़ाइन किया है ये इसके पैसे मांग रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर कंट्रीब्यूटर खुद फ्री में दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा तो फिर आपको उसके पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो डाउनलोड, जो हमने लास्ट वाला निकाला था उसमें लिखा हुआ था फ्री डाउनलोड, कुछ फाइल्स फ्री हैं, कुछ फाइल जितना प्री पिक पे है इसी तरह वैक्टीसी के ऊपर भी है। यहाँ पे भी आपको जो है, यहाँ पे नो एट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया कि फ्री पिक के ऊपर भी ऐसे ही है और वैक्टीसी के ऊपर भी ऐसे ही है कि अगर आप इनकी फ्री टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर आपको एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा, अगर कमर्शियल यूज में अगर करते हैं उनको, ठीक है। पर्सनल प्रोजेक्ट जो आप जहाँ मर्जी यूज़ करें, कोई टेंशन नहीं होती। उम्मीद करते हैं ये अगली वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।